और अब खबर जयपुर से है, जहां भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। बढ़ते तापमान के चलते न केवल विदेशी बल्कि घरेलू पर्यटकों ने भी अपने टूर कैंसिल कर दिए हैं और जो पर्यटक आ रहे हैं वे गर्मी से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। मई में इन सैलानियों की संख्या मात्र 50,000 पर ही अटक गई है। वहीं माना जा रहा है कि स्मारकों और अन्य स्थलों पर जिस तरह गर्मी से पर्यटक परेशान नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से जून में भी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। अब मानसून बाद ही पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। देखिए, गर्मियों की बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन बच्चों में एक जिज्ञासा होती है बाहर घूमने की। गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए सिर्फ बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जयपुर से रिलेटेड, जो हमारे नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं, उनको दिखाने के लिए बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं। गर्मी काफ़ी है निशंदेह, लेकिन इससे बचने के लिए गॉगल्स, पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और सर पे मोस्टली कपड़ा वगैरह बच्चे यूज़ कर रहे हैं। हम सिरसा से जयपुर अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में घुमाने के लेके आए हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को ज्ञान देती हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम जंतर मंतर पे बच्चों को लेके आए हैं और अपनी हिस्ट्री से अवगत कराने के लिए, ताकि बच्चों को हमारी संस्कृति वगैरह के ज्ञान प्राप्त हो।